मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हमने दो दिन पहले खबर बताई थी आपको नामदार चौल की, जिसमें एक झगड़ा हुआ था, कुछ महिला घायल हुई थी। इसमें 6 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि उन आरोपी के परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनको भी कुछ अपनी सफाई रखना है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम रेहाना खालिद दलवी है, मैं कुरला से रहने वाली हूँ। मामले में आपके किसको गिरफ्तार किया गया, कौन कौन, मतलब इस किसके ऊपर मामला दर्ज है इस मामले में? मेरा भाई तौफीक, मेरा भाई सलीम और मेरा भाई जाफर और मेरा भाई ताहिर और मेरे दो बच्चे अदनान और फरहान। एक्चुअल में क्या हुआ था, घटना स्थल पे आप थे क्या जब ये सब पूरा मामला? हाँ, एक्चुअली कैसा, हम लोग रोज़ा खोले और रोज़ा खोलने के टाइम पर 2 मिनट का ही हेर फेर हो गया। बच्चों की तबीयत सही नहीं लग रही थी, कुछ खाया नहीं उन्होंने, और नमाज को गए, नमाज से जस्ट बाहर आए तो उसने बच्चों को कुछ चिढ़ाया। उसने बोला नहीं, तो उसके हाथ का मोबाइल लेके जबरदस्ती करने लगा, मोबाइल खींचने लगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं मोबाइल नहीं दूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ करके। इतने में उसने अदनान को, नोहित ने चमाट मार दिया और मारने के बाद में ज़मीन पे पटक के मारा। और बाहर के 40 के 2-4 बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे भाग करके आए अदनान भाई को बाहर मारा जा रहा है करके। मैं भागती हुई गई बिना चप्पल से, वहाँ जाकर देखती हूँ मेरा बच्चा ज़मीन पर है और ये लोग, उनकी घर की 3-4 औरतें थी और 4-5 मर्द लोग थे, जो कि उसमें नदीम था, नोहित था, साहब था, इन लोग सभी लोगों ने बच्चों को मेरे मारा। मेरा बच्चा बहुत घायल हो गया था, मैं चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा दिख नहीं रहा है। उसके बाद में जैसे ही मेरी चाची खड़ी हुई, मैंने चाची को बोला कि चाची तू बड़ी होकर के खड़े रह के मार खिलवा रही है, उसको समझा उन लोगों को क्या कर रहे हरकत। तो बोल रही है कि ना चल जा अपना काम कर, मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। तो उतने में वहाँ से वो उल्टा सीधा हमको गाली दे रहा था, नोहित नाम का लड़का, मेरे चाचा का बेटा है वो। लेकिन उन्होंने जो गाली दिया ना, जब भी मेरे बच्चे ने भी कुछ गलत बोल, मेरी मम्मी को गलत क्यों बोल रहा है करके उसने समझाया, लेकिन वो जाहिल है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके ऊपर से बात बढ़ गई, नदीम आया और नदीम ने मेरे बच्चे का कॉलर पकड़ के, उनकी पान की दुकान पर, नज़ीर भाई की उनकी पान की दुकान पर, मेरे बच्चे का ऐसा कॉलर पकड़ के पूरा गला दबा दिया। मैंने भी नदीम को हाथ से रोका कि देख तू कैसा है, तू बड़ा है वो छोटा है, उसमें तेरी ताकत में फ़र्क है, बच्चा है, बोलता है मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरे अदनान को ऐसा कहने लगा। तो मैंने उसको ऐसे दबा के रखी थी ताकि ये मारे ना बच्चे को, अपने बच्चे को बचा रही थी मैं। इतने में उसने मेरा बाल पकड़ा, उसकी माँ ने भी बाल पकड़ी, मुझे मारा उसकी माँ ने भी और नदीम ने भी। लेकिन जब तक कि मैं अकेली थी और मेरा बच्चा अकेला था, हम लोग सब 4-5 जन के बीच में इस तरह से दबे हुए थे। और जिस तरीके से हम लोग दबे हुए थे, जब तक मेरे भाइयों को किसी ने बोला या बच्चों ने भाग के बोला जाके, भाई हमारे आए, जब भी मेरी पोजीशन देखे हैं, मुझे उन लोगों ने गिरा के मारा, मुझे बहुत मार लगा हुआ, मेरे बच्चों को भी मार लगा हुआ, टाका आया है अदनान के भी चेहरे के ऊपर, और झूठा झूठा उन लोगों ने केस डाला है ये सब चीज़ों पर, और झूठी झूठी इन लोगों ने वायरल किया है जिस तरीके से। और उसको हम लोगों ने, जो ICU में एडमिट है शबाना नाम की औरत, उसको किसी ने मारा ही नहीं है। आप लोग फोटो पे बहुत ध्यान दीजिए और फोटो पे देखिए कि किस तरीके से वो फोटो बनाई गई है, वो झूठ फेक वीडियो है। और उसके अंदर जो सलीम भाई करके उनके आंग पर, वो जो उन्होंने हाथ पकड़ के, बाल पकड़ के ऐसा हटाया है, तो वो हटाए, मारा नहीं है उन्होंने। एक्चुअली वो बाल पकड़ने के लिए, सलीम भाई के सर पे बाल पकड़ी उन्होंने, और वैसे ही भाई ने जैसे उसको बाल पकड़ के हटा भी, किसी गैर मत के ऊपर कोई औरत ऐसी जाएगी तो वो गलत है, कल का वो ब्लेम लगा सकती है कि मुझे अपने आंग पर खींच रहा है या कुछ भी है। लेकिन उन्होंने अपने बाल पकड़ के उसको, आप गौर से देखिए वीडियो को, कि एक लाफा भी उसमें मारा नहीं गया है लड़कियों को, औरतों को, सिर्फ ऐसा बाल पकड़ के उसको हटाया गया है, दूर हटाया गया है। और जहाँ मेरा भाई तौफीक जो पैर चला रहा है ज़मीन पर, उस ज़मीन को गौर से देखिए कि उसके नीचे कोई भी नहीं है, सिर्फ वो ज़मीन पटक रहा है, कि पब्लिक बहुत भरी थी, कोई बच्चा नहीं गिर जाए, कोई दब नहीं जाए, वो हिसाब से पैर को इस तरीके से पटक रहा था कि आप लोग सभी लोग रास्ता खाली करो करके, इस तरीके से किया गया। और बाकी बच्चों को उन लोग जब इतना पथराव चला रहे थे, इतना और बाम्बू से मार रहे थे, वो हिसाब से सब लोग एक दूसरे को बचाव कर रहे थे। और नदीम की लड़की शिफा नाम की जो है, वो ऊपर से बाम्बू फेंक के मारी है और वो बाम्बू शबाना के सर पे लगा है। आप लोग शबाना का बयान ले सकते हैं जाकर के, कि वो बताएगी, उसके भी आगे छोटे छोटे बच्चे, हमारी तो दुआ है अल्लाह उसे पैर पे खड़ा कर दे, अच्छा कर दे। हमारे ना भाइयों ने मारा है ना हमने मारा है, और वो जब तक हमको कोई झगड़े में शुरू से लेके रात तक के वो दिखी नहीं, लास्ट तक के हमको झगड़े में, वो अचानक कैसा आई और वो बाम्बू ऊपर से नदीम की लड़की ने फेंकी और वो बाम्बू उसे लगा, उसे सर फट गया उसका, और किसी ने मारा नहीं है उसे, लेकिन वो सब झूठ बोल रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तो सोनी है। मेरे भाइयों को, मेरे 5-6 भाइयों को सबको फंसाया गया है और झूठ झूठ ब्लेम किया है उन लोगों के ऊपर। एक चीज़ ये बताएगा, इस पूरे मामले में जो महिलाओं को छूटा है, कितना उचित आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इसमें आपके भाई का और आपके जो बच्चे हैं परिवार के, उसमें उनका भी नाम आ रहा है, तो क्या कहोगे? मेरे
नहीं, महिलाओं को देखो वो भी हम लोगों की बहन है, हम लोगों ने उनको ना मारा है ना कोई जख्म दिया है, मेरे भाई लोगों ने कुछ नहीं किया है। यही है कि बचाव के लिए एक बहन को मारा जा रहा था, उस तरीके से उन लोगों ने बचा रहे थे, जब तक कि उसको मारा गया तब तक कि वीडियो नहीं बनाया गया। जैसे भाई लोगों ने उन लोगों को छुड़ाने के लिए किया, वो भाई के ऊपर हाथ डालने लगी, भाई के ऊपर हाथ डालने लगी, भाई ने अपने बचाव के लिए उसको बाल पकड़ के या रुपट्टा पकड़ रहे थे कि हट जाए करके, मगर वो हट ही नहीं, ऐसा करते करते उसको पीछे लिए, तो उसको ब्लेम किया कि मारा गया। आप अगर वीडियो में आप देख सकते हो कि एक भी लाफा का मेरे भाई ने मारा है तो आप बोल सकते हो। और मेरे भाई ने जो पैर पटका है जमीन पे, वो पैर के नीचे देखो, आपको कोई अगर एक इंसान दिख रहा है जिसको वो मार रहा है लाश से, वीडियो तो सभी देख रहे हैं ना, सब तो आँख खोल के देख रहे हैं, मगर उस वीडियो को देखो किस तरीके से। मेरा एक सवाल ये है कि महिलाओं को फिर चोट कैसे लगी? महिलाओं को चोट इस तरीके से लगी है कि सब लोग पथराव कर रहे थे, उनके घर वाले, ब्लॉक मारा जा रहा था, जोर जोर से ब्लॉक फेंका जा रहा था, ऊपर से जो आप वीडियो में देखो कि ऊपर से वीडियो बनाई जा रही है, बाकायदा मालूम पड़ रहा है उसमें कि ऊपर से वीडियो बन रही है, और वो वीडियो में ऊपर से पत्थर वो भी आ रहा है, अपना बाम्बू भी आ रहा है, और वो औरत आपको देखो सडनली अचानक से आके इस कैमरे के सामने खड़ी हो जा रही है, कैसे आ रही है वो अचानक से, इतने झगड़े में तो कहीं नहीं दिख रही है, और अचानक से आके कैसे खड़ी होगी वो। और मेरे एक भाई नहीं है, मेरे छह भाइयों के ऊपर झूठा झूठा इंजाम, उनकी जो बेटी है वो हमारी भी बहन है, इस तरीके से उसको हमारे मेरे भाइयों के ऊपर इंजाम लगाया गया है कि वो उसके ऊपर गंदी निगाह डालते या कुछ, उनको शर्म नहीं आई है रोज़े रमज़ान के टाइम पे इस तरीके से वो लोग जो गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं, अल्लाह का डर खौफ नहीं है ये लोगों को, ये लोग नशेबाज लोग हैं, नशेड़ी हमारे दरवाजे पे बैठ के ये लोग नशा करते, इनका फोटो है चिलम गांजा पीते, ये लोग बैठ के मेरे भाभी को इतने गंदे गंदे कमेंट पास करते, ये लोग बोलते तू मेरे साथ चल, ऐसा वैसा पूरे घर में जाता है धुआं, मगर फिर भी हम लोग सबर कर रहे हैं। इससे अभी इसके भाई ने इतनी बड़ी रॉबरी किया, इतनी बड़ी रॉबरी किया एयरपोर्ट पे एक महीने पहले की इतनी बड़ी रॉबरी, आप लोग ये सब जान सकते हो, देख सकते हो, कोई अंदर नहीं है, सबको अल्लाह ने हक दिया है, रमजान का महीना है, नोहित नाम है उसका, नदीम जो चिलम पीता है घर के सामने बैठ के इतनी तकलीफ देता है लड़कियों, कुछ वीडियो है नदीम का आपके पास? हमारे पास वीडियो है नदीम का, और जो नोहित ने जो किया है उसका तो पूरा बायोडाटा आपको निकल जाएगा, जो इसने रॉबरी किया है एयरपोर्ट के ऊपर, वो एयरपोर्ट के ऊपर इस तरीके से रॉबरी किया, वो हम लोगों को अभी भी हमारे भाई लोग अंदर है और वो हम लोगों को धमकी दे रहा है इस तरीके से कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो 35 साल कमाया एयरपोर्ट के ऊपर, तो मेरा कोई बाल बाका नहीं करेगा, मैंने 35 साल झक नहीं मराया एयरपोर्ट के ऊपर, जो 35 साल जो मैंने किया हूँ ना उतना मेरे पास में है नोट, और मैं लगाऊंगा, और 3 साल करता ना बोले तो मैं गैलेक्सी टावर खड़ा कर देता था, मेरे पास इतना है बोले, मगर ये लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों के साथ में मेरे भाइयों को जो फंसा है भरे रमज़ान के टाइम पे, अल्लाह रसूल की इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। और जो शबाना नाम की वो मेरी बहन है, मेरे चाचा की लड़की है, मगर इसने जिस तरीके से उसको, मैं गई थी मैंने उसका हाल चाल पूछा, उसने मुझे इसका, आज वो अगर बोलती अच्छे से तो मैं उसका बयान लेके आती थी, मगर मेरा कोई इरादा नहीं था कोई जासूसी करने का, मैंने उसकी हाल खबर एक इंसानियत के नाते मेरी बहन है इसलिए मैं गई थी, उसने जासूसी, मैंने देखा कि भाई को क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ देखो कैसा लग गया है, तो उसने मेरे को अभी कैसी तबीयत है शबाना? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बात बात कर रही है सब चीज़ें, दो महिला एडमिट कराई गई, रिचार्ज दे दिया गया है, वो घर आ गई है और अच्छी चल फिर रही है, नस्तईन नाम है उसका, शबाना हॉस्पिटल में है, मैंने अच्छे से बात किया, मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट देखा, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाया, मैंने आँख के मैं अंदर उसके बोली डॉक्टर ने जरा आँख पकड़ो, कोई नहीं था उसका घर वाला, अगर इतनी सीरियस होती तो घर वाले मौजूद होना चाहिए, पेशेंट को छोड़ के कैसा जा रहे हैं ये लोग, सीरियस होने का मतलब क्या है, मगर ये लोग कोई मौजूद नहीं था, और उसके आँख में मैंने ही दवा डाला, उसने बोला कि मैंने बेटा तेरे को कैसा लगा, तो बोली अरे सोनी बोले अपने घर वाले कैसा है, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, मैं भी अपने आदमी को भी बचा रही थी, भाई लोग को भी बचा रही थी, इस चक्कर में मेरे को कहाँ से लग गया, मेरे को भी नहीं समझ में आया, ये जो पेशेंट है ये इसकी गवाही है जो मैंने सुना है। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि नदीम के परिवार वाले लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पथराव आप लोगों की तरफ से हुआ है, इसमें आपकी क्या सफाई क्या दलील? सर पथराव तो दोनों जगह से हो रहा था, लेकिन ज़्यादा वहाँ से हो रहा था, बाम्बू से भी और पत्थर भी चलाए जा रहे थे, लोग भी उनके ही घायल हुए, क्या उनके पथराव से लोग घायल हुए कि आप लोग? उन लोगों ने ही मारा आड़ा तेड़ा पत्थर और उनको ही लगा, कोई ये नहीं है, और हमारे बच्चों को बदनाम किया गया है, हमारे बच्चे कॉलेज स्टूडेंट है, हमारा अदनान सीधा बच्चा है, आप लोग रिकॉर्ड निकाल सकते हो, किसी की एक इंसी नहीं है या कुछ नहीं है समझे, और उसके बिना पे ये लोग ज़्यादा फेक न्यूज़ डाल रहे हैं। और क्या बोलना चाहेंगे आप? और मैं कुछ बोलना चाहूँगी आपसे, जो भी ये पुलिस जो है, हम लोग पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, हम लोग हमको मालूम है पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, हमको कोई शिकवा गिला नहीं है, भरे रमजान का महीना है और हम लोग
उस रसूल की कसम खा के कहते हैं कि मेरे भाई लोगों ने एक पत्थर नहीं मारा है उन लोगों को, और ना वो लड़की जो एडमिट है शबाना नाम की, ना उसको ज़ख्मी किया गया है। अगर उसका कुछ करेंगे तो उसका असर अल्लाह देगा ही। और अभी मैं कल जा रही थी मगरिब के टाइम पे, मैं रोज़ा मेरे भाइयों को अफ्तारी लेके जा रही थी, ये लोगों ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिया जा रहा था, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया जा रहा था, हम लोग फिर भी चले गए अपना अफ्तारी देने के लिए। वहाँ हमको अफ्तारी नहीं देने दिया गया, तो हम लोग रिटर्न आ गए वहाँ से। हम लोगों ने पुलिस को भी कॉल किया कि भाई हम लोगों को दरवाजे पर बैठ के गाली दे रहे हैं, तो पुलिस को ये लोग ने कॉल करके झूठा झूठा बुलाया गया और पथरा बोले कि हमको पथराव कर रहे हैं, जबकि हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। ये लोग हम लोग को मेरे को गनोई जो है मुझे कितनी गंदी गंदी गाली देते हुए बाजू में से निकला, बोला तो पुलिस वालों को नीचे। जब ये इतने दिनों से हो रहा है तो आप लोग कभी कोई पुलिस स्टेशन में शिकायत क्यों नहीं करे? नहीं, हम लोग सोचे अपने घर का मैटर है तो हम लोग कहाँ जाने का, ये घर वाले घर का मैटर सॉल्व हो जाएगा, मगर ये लोग ने अपने हाथ से हाथ को पार कर दिया गया है। ये हमारे चाचा के बच्चे पुलिस वालों को हमें को इतनी गंदी गाली देकर इतनी गंदी गाली कि रमज़ान के महीने में मैं अपना रोज़ा रमज़ान अपनी इबादत ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, मुझे इतनी गंदे अल्फाज में गाली दिया है उसने जाते जाते पुलिस वालों के नीचे, बोले तेरे को सुलवाऊंगा बोले, तो मैंने बोले अपनी बहन बेटियों को सुला, हमको क्यों सुलाएगा रमज़ान के महीने में, तो ये सब गंदी बातें मत कर हमारे साथ में इस तरीके। और हमारे घर की जवान जवान 15-15 साल की लड़कियां है, उन लोगों को इतना आते जाते इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है, क्या क्या बोल रहा है, वो बच्चे सुन रहे हैं मगर बोल रहे हैं देखो बुआ घर में आके बच्चे रो रहे हैं, नोहित ने इस तरीके से हाथ मार किया है, नोहित चोरी की लाइट जलाता है, और उसके बाद में इन लोग पूरी मट्टी का पूरा जो कारोबार इन लोग करते हैं, इन लोगों को हम लोग बोला जाता है इसने जो रॉबरी किया है अभी उस मैटर में मेरी बहन को बोला कि जरा साथ में सपोर्ट देने चलो। मेरी बहन ने जब देखा कि भाई ऐसा सा मसला है, कई जगह के सुनार लोग आके वहाँ मौजूद है, कुछ सुनार हम लोगों को भी पहचानते कि हमारा अच्छा है, मगर उन लोगों ने सुनार ने देखा तो बोले रहना आपा तुम यहाँ पे, तो बोले भाई ऐसा ऐसा है, तो इन लोगों ने बोला कि इतने इतने लोगों ने यहाँ पे मेरे दुकान पे ये बेचने आए थे, और आज भी उन लोगों के पास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो सलीम के परिवार वाले हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि उन पर ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, और हमारे और कुछ जानना चाहेंगे कि इनकी क्या अपील है प्रशासन से? आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा कि आपकी प्रशासन से क्या अपील? एक्चुअली सर मैं समझी नहीं, पुलिस से क्या अपील रहेगी आपकी? एक्चुअली देखो हमारे को कोई पुलिस से शिकायत नहीं है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है सब तरफ से, और वो अपना काम अपने जिम्मेदारी से कर रहे हैं अच्छे से, हमको कोई लेन देन नहीं पुलिस से, अब पुलिस अच्छे से काम कर रही है। लेकिन मैं क्या चाह रही सर, मैं कुछ बोलना भूल गई थी। एक्चुअली एक लल्ला करके बच्चा है हमारी चाल में और एक लालू नाम का, दो तीन बच्चे ऐसे हैं जिसको नदीम बहुत बुरी बुरी तरीके से मारता है, उस बच्चों को उसने और चोरी का माल उन लोग यहाँ वहाँ से इधर उधर से, और साहब जो है लालू नाम का लड़का उस बच्चे को कम से कम 7-8 साल की उम्र होगी, सब गटरों से इधर उधर से चोरी चमारी से जितनी सलियाँ वगैरह निकाला बच्चों को बोलता चलो बेचने के लिए, लेकिन बच्चे नहीं जाते हैं, बच्चों को मारते हैं नहीं जाते हैं, तो बच्चे और इतना बुरा बुरा मारते हैं कि बच्चे बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चे जो लोग डरते हैं कि हमको घर पर आके मारेंगे, ताकि वो पुलिस चौकी तक नहीं जाते हैं उन लोग कि हमको मारेंगे करके, और उन लोग मट्टी ये करते हैं। और जो रबड़ी किया था उसमें मैं गई थी, उन लोगों ने मुझे बुलाए थे, लेकिन उन लोगों ने झूठ बोला, जितना 916 का सोना उनके पास था उन लोगों ने आधा भी नहीं दिया, पूरा के पूरा सोना उनके पास में है, कम से कम 15 लाख का तो सिर्फ मोबाइल निकला उनके पास, 80,000 रुपया कैश निकला। वो अलग मामला है, मगर इस पूरे मामले को लेकर आपका सिर्फ ये कहना है कि पुलिस प्रशासन इस पर अच्छे से कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं नतीजा निकलेगा और इन पर ही मामला दर्ज होगा। जो आपके फैमिली पर मामला दर्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत निकलेगा, ये हमसे सिर्फ इतना, हमको मतलब हमको पुलिस को शिकायत नहीं, हमारे सिर्फ रिक्वेस्ट है पुलिस लोगों से कि साहब लोग आप लोग इस चीज़ को मतलब ध्यान दीजिए, अच्छे से कार्रवाई करिए बस। तो कहीं ना कहीं ये जो सलीम के परिवार वाले लोग थे उनका यही कहना है कि इस मामले को गंभीरता से इसकी छानबीन और जांच हो, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो इनके परिवार से हो या नदीम के परिवार से हो। मगर हालांकि इन्होंने नदीम का एक वीडियो भी रिलीज़ करने वाले, वो हमारे चैनल पर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन इमरान अंसारी, जैन सैयद, मुंबई टीवी, कुर्ला।